हे गाइस वेलकम टू इज केमिक्स सो आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्वांटम केमिस्ट्री का बेसिक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट के जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रहा था उस टाइम पे हम पहले हमने लास्ट वीडियो में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस किया पूरी तरीके से पूरी मैथमेटिकल वे में आज भी हम थियोरिकल फिजिकल और मैथमेटिकल दोनों वे में आज भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इन दैट सेंस हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी उस कैटेगरी में रखा जो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में था ठीक है जिसको हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन वो एक्सप्लेन हुआ नहीं तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स में स्विच करना पड़ा तो इससे पहले कि आपको मैं बता दू आपको अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक चीज बतानी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिन्होंने इसका कंसेप्ट फर्स्ट टाइम लेके आए थे वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन ठीक है वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन और 1905 में वो कंस, वो उन्होंने ये कंसेप्ट लेके आए थे एंड इसके लिए उनको स्पेशली इसके लिए उनको, इसके लिए उनको इस पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था ठीक है तो बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा जिसके लिए किसी भी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है डन तो स्पेशली इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूंगा चलो वो देख लेते हैं फर्स्ट हम मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ठीक है डिटेल्स में बताऊंगा फिर एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स हो रहा था उस टाइम पे था ठीक है एक्सपेरिमेंटल कौन सा एक्सपेरिमेंटल्स एक्सपेरिमेंट से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे और वो एक्सप्लेन हो रहा था या नहीं हो रहा था या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी उस टाइम पे वो हम डिस्कस करेंगे फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें मिलेंगे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन दैट टाइम उस टाइम के हिसाब से जब क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के बीच में ऐसे ट्रांजिशन हो रहा था उस टाइम में हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट टाइम वी वांट टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स ठीक है एट द सेम टाइम वी ऑन टू डिस्कस द फोटो इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ठीक है तो कौन सा इफेक्ट कौन सा मैकेनिक्स एक्सैक्टली अप्लाइड होगा वो हम देखेंगे ठीक है तो एक्चुअली आपको पता है कि ट्रांजिशन क्यों हो रहा था क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रहा था दैट मीन्स क्लासिकल मैके हम किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में शिफ्ट करेंगे वो देखेंगे फिर फाइनली मैं कंक्लूजन क्या हम उससे मिल रहे है? वो बताऊंगा मैं ठीक है फाइनली आपका एग्जैक्टली कंक्लूजन मिला क्या इस इफेक्ट के बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो मैं बताऊँगा एंड फाइनली एट लास्ट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है तो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स आपका दोनों क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो से तो कान में एयरफोन डाल लो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए अगर डिस्ट्रैक्शन होगा तो फोकस नहीं पर कर पाओगे डन तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे इफेक्ट को डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट जो पार्ट आती है वो होता है हमारा व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है देखो आपको ऑलरेडी नाम से पता चल रहा होगा फोटो व्हाट दैट दैट मीन फोटो मीन्स फोटो मीन्स इट इज लाइट and what does it mean electric? that means electricity. electricity and uh, electricity किसकी वजह से create होती है आपको ऑलरेडी पता है वो होती है electrons की वजह से electrons flow की वजह से right electrons का flow होता है उसकी वजह से हमें electricity मिलती है तो लाइट और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इनमें कुछ relations क्रिएट होगा हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफेक्ट में देखने को मिलेंगे ठीक है तो किस तरीके से होता है तो इसको सिंपल शब्द में अगर मैं बताऊँ तो कोई भी एक मेटेरियल हो कोई भी मेटेरियल मीन्स कोई भी एक मेटल मान लो एक मेटल प्लेट है ये एक मेटल प्लेट है ठीक है इस मेटल प्लेट प्लेट में अगर हम लाइट को शाइन करें लाइट को शाइन करें ठीक है लाइट को शाइन करें और कौन से वेब की लाइट अगर वो लाइट यूवी लाइट हो सकता है या फिर समटाइम्स विजिबल लाइट हो सकता है टू विजिबल दोनों लाइट में से कोई एक विजिबल लाइट को हम अगर हम इस मेटल uh, प्लेट के ऊपर शाइन करें देन व्हाट विल हैपन जैसे कि डेफिनेशन से आपको पता चल रहा होगा अगर हम लाइट को शाइन करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमें देखने को मिलेंगे तो जब हम लाइट को शाइन्स करेंगे तो इस जो मेटल प्लेट्स होंगे ना इस मेटल प्लेट्स से हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा ओके तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स ऑकर्स ठीक है तो लाइट को शाइन करने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरीके से होगा क्यों होगा ये क्वेश्चन है क्योंकि देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ठीक है एक्सपेरिमेंट से हमें ये मिला अगर हम किसी पर किसी सिस्टम पे लाइट शाइन करेंगे यूबी और विजिबल रेंज के लाइट देन उस सिस्टम से उस पर्टिकुलर मेटल प्लेट से क्या देखने को मिलेंगे हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखने को मिलेंगे और जो हम मेटल प्लेट इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे वो हमारा स्पेशली एल्कली और एल्कलाइन अर्थ एल्कली मेटल्स होगा या तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होगा क्योंकि क्यों देखो क्यों हम एल्काई एल्कली और एल्काइन अर्थ मेटल्स यूज़ कर रहे हैं तो हम एल्कली मेटल्स को क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होती है हमारे पास जो एल्कली मेटल्स होंगे ये एल्कली मेटल्स इलेक्ट एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का जो प्रोबेबिलिटी होती है कैपेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का क्षमता बहुत ज़्यादा होती है एल्कली मेटल्स के लिए ठीक है तो याद रखना है एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन को ईजिली छोड़ता है इसीलिए हम एल्कली मेटल्स को यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम कोई नॉन मेटल से यूज़ करते यहाँ पे तो क्या होता वो हमारा नॉन मेटल्स मतलब मान लो कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो वो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं था तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता ठीक है तो हम स्पेशली ये फोटो इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम मीटर्स को लेंगे और स्पेशली हम एल्कली मीटर्स को लेंगे जिस जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ठीक है ठीक है क्योंकि एल्कली मीटर्स फर्स्ट रो सेकेंड रो का एलिमेंट्स होते हैं और वो लिथियम बेरिलियम टाइप के सिस्टम जो स्पेशली उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होती है और वो ईजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है ठीक है चलो क्लियर हो गया हमारा ये कंसेप्ट तो हम ये था हमारा टोटल एक्सप्लेनेशन बेसिक एक्सप्लेनेशन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है और हम किसके लिए वो अप्लाई करेंगे अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स फैक्टर में जो हमारा था एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स तो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट दैट दैट हैज़ बीन डन एट दैट टाइम ओके तो उस टाइम पे कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक को समझने के लिए तो so मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ इस पिक्चर को अच्छे से नोट करना थोड़ा सा ठीक है इसको अच्छे से नोट करना थोड़ा सा और समझना कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं देख लो ये ये बहुत बेसिक पिक्चर मैंने ड्रॉ किया ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है मैंने लेकिन समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर की जरूरत नहीं है हमें बेसिक पिक्चर काफी है ओके अब देखो ये हमारा क्या है? एक सिस्टम है टोटल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये हमारा टोटल एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ठीक है तो इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या होगा ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जो हमने लाइट शाइन किया लाइट को लाइट को शाइन करेंगे सिस्टम में ठीक है तो जब हम लाइट को शाइन करेंगे इस पर्टिकुलर कैस सिस्टम में तो लाइट शाइन होने से क्या होगा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ता है आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रॉन छोड़ता है कैथोड या फिर किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है कैथोड के पास कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन छोड़ता है कैथोड क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है ठीक है और उल्टा अपोजिट वे में हम एक एनोड को रखेंगे एनोड को रखेंगे ठीक है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है अब जब हम इसके ऊपर लाइट शाइन करेंगे इसके ऊपर लाइट को शाइन करेंगे तो क्या होगा इस पार्टिकुलर कैथोड प्लेट जो होगा जो अल्कालई या फिर एल्कालाइन आर्थ मेटल से बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा अब जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कहा पर जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी मिलेगी तो इस पार्टिकुलर सिस्टम में देखो ऑलरेडी एनोड प्रेजेंट है तो एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ भागेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव Uh, जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ से भागता रहेगा और एनोड में जाएगा अब जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड में जाएगा ठीक है जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड में जाएगा तब क्या होगा देखो पूरे सिस्टम में एक इले, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्रिएट होगा पूरे सिस्टम में क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्रिएट होगा अब जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्रिएट होगा दैट मीन्स हॉट यहाँ पे करंट जनरेट होगी करेंट जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इस सिस्टम में ठीक है जो इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से एनोड को इलेक्ट्रॉन किस तरीके से शो करेगा और कितने कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो हम गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर से डिटरमाइन करेंगे गैल्वेनोमीटर से डिटरमाइन करेंगे तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैथोड क्या, क्या होता है कैथोड से इलेक्ट कैथोड इलेक्ट्रॉन छोड़ता है इसलिए हम कैथोड पे लाइट शाइन करते हैं और एनोड इलेक्ट्रॉन एज पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को आपसे अट्रैक्ट करेगा और इसीलिए कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जब हम कोई भी मेटल के ऊपर मेटल प्लेट के ऊपर लाइट को शाइन करेंगे तो ये जो पार्टिकुलर इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लाइट को शाइन करते हैं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है लेकिन हम ये सेटअप हमने इसलिए किया क्योंकि हम कितने अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या फिर कितने अमाउंट्स ऑफ करंट हमें मिल रहा है कितने अमाउंट्स ऑफ लाइट डालने से वो कैलकुलेशन हमें करना है मैथमेटिकली ठीक है तो उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया डन अब क्वेश्चन ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने किया इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमें क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिल रहा है तो चलो अभी डिस्कस कर लेते कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें मिल रहा है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें मिल रहा है तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे वो होंगे जो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो अच्छे से नोट करना यहां पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन से ठीक है यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन से मतलब जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है हो ना हम लाइट को शाइन कर रहे हैं कैथोड पे उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये फोटो इलेक्ट्रॉन का जो फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई क्यों देखो जब सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है करंट जनरेट होती है अब हम इस सिस्टम को किस तरीके से मेजर करें कि ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल रहा है और एनोड में जा रहा है उसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करें उसको तो ऐसे तो हम देख नहीं सकते उसको हम फील नहीं कर सकते तो हमें उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए हमने इस तरीके का सेटअप किया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है और कितना जितना इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स e का फ्लो बढ़ जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा उतना ही ज़्यादा तो हमें क्या देखने को मिलेंगे तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक ज़्यादा करंट ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पकड़ में आएगा थ्रू गैल्वेनोमीटर ओके तो अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट विल डिपेंड अपॉन द लाइट जो हम शाइन कर रहे हैं ना वो लाइट उस लाइट का इंटेंसिटी के ऊपर ये जो कितना अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है वो डिपेंड करेगा मतलब क्या मतलब ये जो अमाउंट अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट फोटो इलेक्ट्रिक करेंट क्या है आप अभी अभी बताया फोटो इलेक्ट्रिक करेंट फोटो मतलब जो करेंट जनरेट होती है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से सिस्टम में ठीक है अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट विल डिपेंड अपन द इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या है नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में कितने अमाउंट्स ऑफ फोटोन इस पर्टिकुलर मेटल प्लेट में कैथोड में इंसिडेंट कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी तो अगर हमें इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा तो इस पार्टिकुलर सिस्टम में क्या करना है हमें बाहर से एक पार्टिकुलर सरफेस एरिया पे एक पार्टिकुलर सरफेस एरिया पे पर यूनिट टाइम में मतलब पर सेकेंड में हमें मोर फोटोन uh, को भेजना पड़ेगा ठीक है तो क्या होगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सीरीज होंगे तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें यह मिला कि हमने इंटेंसिटी uh, को चेंज करके देखा इंटेंसिटी को जब हम चेंज करेंगे तो पर्टिकुलरली क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट भी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होगी यहाँ पे ठीक है तो नंबर ऑफ़ फोटोन्स जो होता है पर यूनिट टाइम और पावर यूनिट एरिया वो हमारा होता है इंटेंसिटी और जो हमें ये फोटो इलेक्ट्रिक करेंट देखने को मिलेंगे वो इस अगर हम इंक्रीज uh, हो जाएगा नंबर ऑफ़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक करेंट का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करें और एट दैट टाइम हमें क्या करना है हमें हमेशा हमें हमेशा फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है या फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना एक फ्रीक्वेंसी को एक पार्टिकुलर वैल्यू में रखना है पार्टिकुलर वैल्यू में रखना है तो फर्स्ट कंक्लूजन ये आ रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिक करंट बढ़ जाएगी सेकेंड जो कंक्लूजन आती है इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से सेकेंड कंक्लूजन जो आती है वो आती है कि हमें हमने जब एक्सपेरिमेंट किया इस तरीके का एक्सपेरिमेंट जब किया गया था तब देख रहे थे तो जो इंसिडेंट लाइट हो रहा था इंसिडेंट लाइट को जब हम शाइन कर रहे थे उस लाइट का उस लाइट का फ्रीक्वेंसी उस लाइट का जो फ्रिक्वेंसी था ना वो इस फोटो इलेक्ट्रिक को जनरेट के लिए जनरेट करने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्रिएट कर रहा था व्हाट डज दैट मीन यहां से हमें क्या मिल रहा है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है क्यों क्योंकि क्यों यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सिस्टम में ऐसा थोड़ी होगा कि हम कोई भी इंटेंसिटी वाला सिस्ट लाइट दे देंगे यहाँ पे मैंने फर्स्ट कंक्लूजन में क्या बोला है फ्रीक्वेंसी को हमें एट एक पर्टिकुलर मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी को हमें कांस्टेंट रखना है एक पर्टिकुलर वैल्यू में रखना है रख के हमें इंटेंसिटी को बढ़ाना है ठीक है इंटेंसिटी को बढ़ाना है सेकेंड कंक्लूजन में एक सेकेंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो हमें मिल रहा है अगर हम एक, एक काम करते हैं अगर हम बहुत लोएस्ट फ्रिक्वेंसी रखें सिस्टम में देन क्या होगा इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा ठीक है अगर हम सिस्टम में बहुत कम फ्रीक्वेंसी रखें क्योंकि फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रखा गया था तो देखा गया था ना अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा लेकिन जब हम सिस्टम में से सिस्टम में बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अप, अप्लाई करेंगे बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाला बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट को इनसे शाइन uh, करेंगे देन वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से निकलवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से ये जो कैथोड है ना कैथोड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला फ्रीक्वेंसी वाला लाइट शाइन करना होगा मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट मिनिमम 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 फ्रीक्वेंसी वाला लाइट को शाइन करना होगा और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे थ्रे शोल्ड थ्रे शोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी ठीक है तो एक बार अगर हम ये थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी में पहुंच गए उसके बाद अगर हम सिस्टम का इंटेंसिटी लाइट का जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ा देंगे तो ऑफकोर्स सिस्टम का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा लेकिन अगर हम इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ना जाके इलेक्ट्र सिस्टम का इंटेंसिटी बढ़ा दे ओके विदाउट दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, विदाउट दिस फ्रेश फ्रीक्वेंसी, हम अगर हमने अगर सिस्टम का इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दे इंटेंसिटी लाइट का जो इंटेंसिटी होती है उसको हम इंक्रीज़ कर दे तो हमें कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है कंक्लूजन में मैं बाद में आ रहा हूँ थर्ड थर्ड जो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिलेंगे वो होंगे कि हमेशा हमेशा जो इंसिडेंट बीम uh, का फ्रीक्वेंसी होता है इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है ठीक है उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में उस पार्टिकुलर के में क्या होगा ना क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा राइट कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर वेलोसिटी लेके निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स का एक पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी रहेगा ठीक है इलेक्ट्रॉन्स का एक पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम से निकलेगा वो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है देखो जो मैं बता रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ठीक है तो जो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन व्हाट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी हम क्रिएट कर रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीकवेंसी तो हमें थ्रेश होल फ्रीकुवेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को सिस्टम से निकालने के लिए ठीक है लेकिन उसके बाद भी कितने अमाउंट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें सिस्टम में इनपुट करना है वो डिपेंड करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करके इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैथोट से वो डिपेंड करेगा लेकिन यहाँ पे याद रखना जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी के ऊपर अगर इंटेंसिटी को बढ़ा भी देंगे उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता क्लियर हुआ क्लियर हो गया ना तो इंटेंसिटी भी देखा जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी जिस एनर्जी लेके जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो डिपेंड करता depends, light, है फ्रीक्वेंसी ऊपर नॉट डिपेंड्स इट डजंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ठीक है फोर्थ जो फोर्थ जो एक्सपेरिमेंटल uh, रिजल्ट और लास्ट जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखने को हमें मिलेंगे वो होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट

As soon as we shine light on the cathode, instantly electron will uh, start to release. Instantly electron will start to emit. जब भी हम इलेक्ट्राइट को यहाँ पे शाइन करेंगे तब ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देगा मतलब ऐसा कोई भी टाइम गैप नहीं रहेगा नो टाइम गैप कोई भी टाइम गैप नहीं रहेगा समझ में आ गई बात यहाँ पे कोई भी टाइमिंग गैप नहीं रहेगा एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें यह मिल रहा है कि जब भी हम लाइट uh, को इलेक्ट्रॉन्स लाइट हाँ को शाइन करेंगे यहाँ पे लाइट को शाइन करेंगे तब भी इंस्टेंटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा देयर इज नो साच टाइम गैप कोई भी टाइम गैप नहीं रहेगा तो ये चार एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप वो कम्प्लीट होता है अब क्वेश्चन ये कि इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन किस तरीके से करें मैथमेटिकली ठीक है इसको मैथमेटिकली हम किस तरीके से करें देखो सिंपल लॉजिक है जब हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको मैंने दिखाया ये जो फोटो इलेक्ट्रिक चल रहा है इफेक्ट इसको मैंने आपको दिखाया उसमें क्या हो रहा है देखो नोट करना अच्छे से जब हम लाइट को शाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है अब अगर अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है अगर इस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को फ्लो का फ्लो से इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है लाइट के शाइन्स के ऊपर लाइट के इन अ, फ्रिक्वेंसी के ऊपर नॉट ऑन द इंटेंसिटी ठीक है इसीलिए यहाँ पे याद रखना यहाँ पे अच्छे से समझना अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकाना है अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप करना है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक यहाँ पे स्टॉप कर देना है मुझे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं करवाना है सिस्टम से तो क्या है देखो यहाँ पे कैथ कैथड था राइट कैथड क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ईजिलीली जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यूअसली हो रहा है और हमने इसलिए एक एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव पोल क्रिएट किया डन लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि जो कैथड होता है एनोड होता है इसको इसको भी हम नेगेटिवली चार्ज कर दें तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा तो जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम से निकलेगा क्या होगा फिर इलेक्ट्रॉन सिस्टम से निकलेगा तब क्या होगा इलेक्ट्रॉन कहीं और पे जा नहीं पाएगा दैट मीन्स हम क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्यों होती है क्योंकि हमें एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव पोल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा मतलब सिस्टम में ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके का क्रिएट करके रखा सिस्टम में ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इतना घटा दें या फिर इस तरीके से सेटअप करें ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना हो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है एक तरफ पानी का लेवल बहुत ज्यादा है दूसरी तरफ कम है अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ऊपर से नीचे पानी का लेवल आएगा और इक्वल हो जाएगा तो अगर हमने पहले ही वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसको हमने इक्वल कर दिया दोनों साइड का तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ही नहीं ठीक है तो जो एक पार्टिकुलर पोटेंशियल में जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाती है एक पार्टिकुलर पोटेंशियल में जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल रिटार्डिंग रिटार्डिंग पोटेंशियल रिटार्डिंग पोटेंशियल जब क्या होता है ना स्टॉप स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी कारेंट तब फ्लो नहीं होगी कोई भी करंट तब जनरेट नहीं होगी इलेक्ट्रॉन से रिटार्डिंग पोटेंशियल टन ये रिटार्डिंग पोटेंशियल अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है से, एक कैथड से निकलने के लिए एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर, कर रहा है अगर हमने आ, इस, आ, पोटेंशियल एनर्जी को या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल को इस तरीके से सेटअप किया ताकि कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी के साथ ना निकल पा, पाए सिस्टम से दैट मीन्स हमने तो उतना ही एनर्जी सिस्टम में ऑलरेडी एक्सटर्नल एनर्जी क्रिएट करना है जितना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन uh, निकल रहा था जितना काइनेटिक एनर्जी लेके सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी लेके निकल रहा है अगर हम बाहर से उतना ही ऑपोजिट एनर्जी अप्लाई करें तो निकलना बंद हो जाएगा दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और ये जो रिटर्डिंग एनर्जी रिटर्डिंग पोटेंशियल ये दोनों इक्वल होती है जान तो रिटर्डिंग पोटेंशियल को मान लो भी ले लो रिटर्डिंग पोटेंशियल को भी ले लो और स्पेशली और पता है क्या रिटर्डिंग पोटेंशियल को हम हम कभी कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं ठीक है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को इस भी एस से हम डिनोट करते हैं तो रिटार्डिंग पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब स्टॉप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है तो जितना काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जा रहा था उतना ही अपोजिट फोर्स अप्लाई करना है तो ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन्स का दैट विल बी इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या होती है देखो ये काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी टर्म है यहाँ पे पोटेंशियल क्या है बस पोटेंशियल है भी एस तो उसका पोटेंशियल को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा ठीक है और उस काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे हम स्टॉपिंग एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ इक्वल कर देंगे क्यों क्या होगा क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए उसको रुकाने के लिए अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आपको पता है हाफ एम बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू ई बी एस

हमें क्या करना है देखो जिसका अगर हमें मिनिमम कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल क्रिएट करना है ताकि हाँ सिस्टम से एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन ना निकल पाए तो देखो ऑलरेडी सिस्टम में जो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स था तो वो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मतलब हमें पहले उसको रोकना पड़ेगा तो हमें उसको रोकने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा दैट मीन्स हमारा जो मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा जो हमें क्रिएट करना है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले सिस्टम के साथ सिस्टम के लिए होगा तो तो ही हम एक भी इलेक्ट्रॉन्स को सिस्टम से एमिट होने नहीं देंगे डन ना इसीलिए यहाँ पे जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वहां पे वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा या फिर काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स का होगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा क्लियर डन तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होंगे तो होंगे इस तरीके का

थ्योरी दो थ्योरी से एक्सप्लेन करूंगा एक होगा क्लासिकल थ्योरी दूसरा होगा क्वांटम थ्योरी और क्वांटम थ्योरी को किसने क्वांटम थ्योरी से किसने एक्सप्लेन किए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन ठीक है और क्लासिकल थ्योरी में बहुत सारे साइंटिस्ट थे तो समझ जाओ अभी जब हम क्लासिकल थ्योरी के अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे क्लासिकल थ्योरी क्या इस पार्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहा है अगर नहीं तो क्वांटम थ्योरी किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है या फिर क्वांटम थ्योरी क्या पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है हर एक चीज़ हम एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे चलो अभी फर्स्ट जो हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखे तो वो उस पर आते हैं जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो था अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ठीक है अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी एट ए पेन द फ्रिक्वेंसी ज कॉन्स्टेंट ओके और एट ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा ये हमने बोला था दैट मीन्स यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करेंट को पूरा फोकस किया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट को पूरा फोकस किया गया था ये जो ये जो हमें मिला था पहले वो एक गलत सही नहीं है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है डन तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो मैक्सोस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी ऑफ रेडिएशन होता है उससे हम ये बोलते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में सिस्टम का जो एनर्जी होती है सिस्टम का जो टोटल यहाँ पे क्या था देखो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ फोटो करंट होती है ठीक है उस वो डिपेंड करता है इंस्टेंटसिटी के ऊपर दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंसिडेंट एट यूनिट टाइम एंड यूनिट सरफेस एरिया ठीक है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स इसको सपोर्ट कर रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था उसको मतलब क्या कर रहा है वो ऑफकोर्स सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है कि इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है देन इट्स ओके क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थियोरी ऑफ रेडिएशन लेकिन जो सेकेंड सेकेंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसमें क्या बोला जा रहा है कि हमें एक थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए हमें एक थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी नहीं अगर हम इंटेंसिटी बहुत बढ़ाएंगे लेकिन एक फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा डन मतलब अगर इंटेंसिटी हम इन्फिनिटी तक बढ़ा दें और फ्रीक्वेंसी बहुत थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा शाइनिंग जो शाइनिंग लाइट का उस फ्रीक्वेंसी को अगर हम एक मिनिमम लेवल तक नहा लेके जाए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है उसके बिना उस फ्रीक्वेंसी के बिना वो मेटल प्लेट इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करेगा तो हमें थ्रेशोल फ्रीक्वेंसी चाहिए इंटेंसिटी नहीं मतलब थ्रेशल फ्रीक्वेंसी हमें बहुत चाहिए ही चाहिए थ्रेशल फ्रीक्वेंसी के बाद देखो आप इससे फास्ट जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे थ्रेशोल फ्रीक्वेंसी के बाद जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ठीक सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन बन इलेक्ट्रॉन को निकलना स्टार्ट हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन हमें एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन उसको एक्सप्लेन नहीं करता क्लासिकल क्लासिकलैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन उसको एक्सप्लेन नहीं करता मतलब क्लासिकल थ्योरी फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था उसको एक्सप्लेन कर रहा था सेकंड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा ठीक है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी वो बोलता है इंटेंसिटी बढ़ा दो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी लेकिन जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगा उसके लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए या फिर सिस्टम का जब इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए सिस्टम से इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए एक मिनिमम हमें फ्रीक्वेंसी uh, चाहिए उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ जाएगा डन तीसरा तीसरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या था देखो ये दूसरा था तीसरा ओके तीसरा ये देखो ये वाला तीसरा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो था सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है मतलब जिस वेलोसिटी को से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिस वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है सिस्टम का फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हम लाइट शाइन कर रहे हैं उस लाइट का फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो मिनिमम थ्रेशल फ्रीक्वेंसी तो होना ही है लेकिन जब काइनेटिक uh, एनर्जी जब इंक्रीज होना है सिस्टम का इलेक्ट्रॉन निकलना इंटेंसिटी इट्स ओके थ्रेशल फ्रिक्वेंसी के बाद इंटेंसिटी अब अगर हम चेंज कर देंगे तो इट विल डिपेंड अपॉन दैट डी टू इट विल डिपेंड अपन इंटेंसिटी बट उस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए उस सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए ना फ्रीक्वेंसी चाहिए इंटेंसिटी नहीं फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ जाएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता उससे इलेक्ट्रॉन निकलती है सिस्टम से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है सिस्टम का ठीक है इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज होता है दैट मीन्स थर्ड जो कंडीशन होगा वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा है थर्ड कंडीशन को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि क्लासिकल मैंने बोला ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी फोर्थ कंडीशन में आते फोर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे आते हैं चलो इसमें बोला जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू जो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन 1959 में जो डेवलप किया गया था थ्रू बाय मैक्सवेल्स उसमें बोला गया था वो उसमें क्या किया था लाइट को एज ए वेब कंसिडर किया गया था लाइट एज ए वेब लाइट एज ए वेब कंसिडर किया गया था तो जब लाइट कोई भी लाइट अगर वेब होंगे तो लाइट उसमें एक थ्योरी ये था अगर कोई भी सर्फेस पे लाइट गिरेगा ओके कोई भी सर्फेस से लाइट गिरेगा देन वॉट विल हैपन इट विल द सर्फेस विल एब्जॉर्ब द लाइट एब्जॉर्ब लाइट ओके okay, और वो एब्जॉर्प्शन के लिए सिस्टम को थोड़ा सा नीड्स टाइम थोड़ा सा टाइम चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए दैट मीन्स अगर सिस्टम को थोड़ा सा टाइम चाहिए उस वेब को ऐब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा टाइम से एब्जॉर्ब करेगा फिर सिस्टम जाके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा क्योंकि एब्जॉर्ब करेगा फिर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन निकल सिस्टम से निकलना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो इंसिडेंट रेडिएशन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में टाइम गैप रहेगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स लेकिन मैंने क्या बोला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें क्या मिला दे आर शुड बी नो टाइम गैप देआर शुड बी नो टाइम गैप दैट मीन्स फोर्थ जो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्लासिकल मैकेनिक्स तो बस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जब ये हम बोलते हैं बहुत नैरो सेंस में इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा बस इसको सेटिस्फाई कर रहा है बाकी चीज़ों को सेटिसफाई नहीं करता बाकी जो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिल रहा था तो उस टाइम पे क्लासिकल मैकेनिक्स एज इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था तो, नाइनटीन जीरो में नाइनटीन जीरो में एल्बर्ट आइनस्टाइन ने क्या क्या प्लैंक्स का जो कंसेप्ट था कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मतलब हर एक सिस्टम होता है हर एक लाइट होता है उसको हम एज ए फोटर्न कंसिडर कर सकते हैं और वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते लाइट को एज ए पार्टिकल कंसिडर करके लाइट को एज ए पार्टिकल कंसिडर करके हम उसको एक्सप्लेन कर सकते कि नहीं देखते हैं तो आइंस्टाइन ने लाइट को एज ए पार्टिकल कंसिडर किया लाइट को एज ए डिस्क्रीट एनर्जी ये ये, ये कंसिडर करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहता चलो अब फिर देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स क्या इसको एक्सप्लेन कर कर सकता है तो फर्स्ट जो कंडीशन था वो तो एक्सप्लेन हो रहा था वो तो इजीली एक्सप्लेन हो रहा था कि हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरीके से गलत नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरीके से गलत नहीं है बस कुछ कुछ केसेस में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता फर्स्ट कंडीशन तो छोड़ दो उसको एक्सप्लेनेशन हो गया आज अब सेकेंड कंडीशन में अगर हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए देन क्या होता है उस पार्टिकुलर सिस्टम में क्या होता है देखो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ उसको मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ आइंस्टाइन की थ्योरी ये बोलता है कि नंबर वन जब हम कोई भी मेटल सरफेस पे जब हम कोई भी मेटल सर्फेस पे जब हम कोई भी मेटल सर्फेस पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे लाइट को इंसिडेंट करेंगे लाइट मतलब न्यू होती है उसका एनर्जी न्यू एक पार्टिकल एक प्रोटोन पार्टिकल पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है एच न्यू जब हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो उस पार्टिकुलर मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा अब क्वेश्चन ये है जो हम टोटल एनर्जी अप्लाई करेंगे एनर्जी मतलब क्या न्यू होता है तो टोटल एनर्जी जो हम अप्लाई करेंगे उस मेटल प्लेट के ऊपर ठीक है वो एनर्जी या तो दो ऑप्शन या तो टोटली ट्रांसफर करेगा टू मेटल नहीं तो नो ट्रांसफर ऑफ टू मेटल दैट मीन्स ये जो लाइट uh, जब शाइन होगा वो ऑल और नॉन प्रिंसिपल फॉलो करता है ऑल और नॉन प्रिंसिपल याद रखना ऑल और नॉन प्रिंसिपल फॉलो करता है वॉट इज ऑल और नॉन प्रिंसिपल हमने जो इंसिडेंट लाइट का रेडिएशन मेटल प्लेट के ऊपर अप्लाई किया वो रेडिएशन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वो पार्टिकल्स ऑफ क्वांटा है ठीक है जिसका हर एक पार्टिकल का एनर्जी एचनी होती है वो या तो पूरी तरीके से एब्सॉर्ब हो जाएगा नहीं तो वो एब्सॉर्व ही नहीं होगा एक पर्सन का भी एब्जॉर्ब नहीं होगा ठीक है वेब में क्या होता है वेब में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लग जाता है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स या तो वो पूरी तरीके से सेब्सॉर्व होगा दट तो इन ऑल नहीं तो कुछ भी एब्जॉर्व नहीं होगा मतलब नॉन इसलिए इसको बोलते हैं ऑल और नॉन प्रिंसिपल आइंस्टाइन का फर्स्ट एजम्पन ये था क्वांटम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने में ठीक है सेकंड चलो देख लेते हैं सेकंड आइंस्टाइन क्या बोले थे सेकंड टाइम आइंस्टाइन ने यह बोले थे कि हमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे ठीक है उसमें क्या होगा तीन स्टेप्स रहेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और वो तीन स्टेप्स में क्या होंगे फर्स्ट स्टेप में अगर हम कोई भी मेटल हो कोई भी मेटल हो मान लो कोई भी मेटल हो ठीक है उस पार्टिकुलर मेटल्स को उस पार्टिकुलर मेटल्स को हम लाइट इंसिडेंट करें लाइट कर, से शाइन करें तो उस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ बाउंडेड है उस मेड इलेक्ट्रॉन को तो ऑलरेडी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखा है ना सिस्टम में राइट जब सिस्टम में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा तो हम जब एनर्जी सिस्टम में देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्व करके सिस्टम से निकल जाएगा डन तो सिस्टम को पहले एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा वो जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस के साथ उस इलेक्ट्रॉन का उसको तोड़ने के लिए तब ही वो बाहर निकल सकता है उस प्लेट से ठीक है एज इलेक्ट्रॉन्स एज प्रोटो इलेक्ट्रॉन्स तो हमें एक मिनिमम हमें क्या है ना वी हैव टू लूज वी हैव टू लूज द बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट जब हम लाइट को शाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी को लूज करेगा बाइंडिंग एनर्जी को लो uh, हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी नहीं रहेगा बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करेगा ठीक है हमें इतना एनर्जी देना है ताकि वो बाइंडिंग एनर्जी से को ओवरकम कर पाए सेकंड स्टेट में क्या होगा सेकेंड स्टेट में होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स अब यहां ये तो उस बाइंडिंग एनर्जी को जब ओवरकम कर जाएगा वो कहा पाएगा सरफेस पे तो इट विल कम इट विल कम टू सरफेस देखो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है इट विल कम टू सरफेस अब जब सरफेस में आ गया और हम लाइट को शाइन कर रहे हैं अभी तक तब क्या होगा थर्ड स्टेप में वो इलेक्ट्रॉन्स लीव द सिस्टम लीव द सिस्टम थर्ड स्टेप में वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से निकल जाएगा सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा तो ये तीन स्टेप इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है पहले फर्स्ट स्टेप में बाइंडिंग एनर्जी को लूज करता है बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करता है सेकेंड स्टेप में वो सर्फेस में आता है थर्ड स्टेप में वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से एमिशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का डन ये आइंस्टाइन का दो बेसिक्स कंसेप्ट है और, और ये जो बाइंडिंग एनर्जी को लूज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम को चाहिए बाइंडिंग एनर्जी को लूज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए ठीक है उस इलेक्ट्रॉन्स को कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना है उस पार्टिकुलर एनर्जी को हम बोलते हैं उस पार्टिकुलर हम एनर्जी को बोलते हैं थ्रेश होल्ड थ्रेश होल्ड एनर्जी और ये एनर्जी कौन से फ्रीक्वेंसी में क्रिएट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्रिएट होता है थ्रेश होल्ड में क्या क्या मैंने बोला था कि एनर्जी का एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए और वो फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होना है तो ही उस थ्रेशोल फ्रीकुएंसी में अगर हम थ्रेसोल एनर्जी एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ़ एनर्जी अप्लाई करें फिर क्या होगा वो बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करके सरफे ओवरकम कर लेगा मतलब बाइंडिंग एनर्जी उसको अट अटका ऐसे उसको रोक नहीं पाएगा सिस्टम में और ठीक है वो बाइंडिंग एनर्जी लूज़ हो जाएगा तो उस पार्टिकुलर थ्रेशल एनर्जी को हम बोलते हैं उस पार्टिकुलर थ्रेशल एनर्जी को हम बोलते हैं वेव सॉरी वर्क फंक्शन डब्ल्यू जीरो वर्क फंक्शन और ये वर्क फंक्शन क्या होता है कि एनर्जी होती है तो वो एनर्जी क्या होगा एनर्जी को हम कैलकुलेट डिटरमाइन करेंगे डिनोट करेंगे एच न्यू जीरो से एच न्यू जीरो मतलब क्या इस एनर्जी से एच एनर्जी से क्या हो रहा है अगर हम ये पार्टिकुलर एनर्जी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स इस बाइंडिंग एनर्जी को लूज करके क्या होगा सर्फेस पर आ जाएगा अगर बाइंडिंग एनर्जी जब तक अवेलेबल है तो सर्फेस पर नहीं आ पाएगा वो तो इस पार्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी को लूज करके सिस्टम सर्फेस पर आ जाएगा अगर हम में सिस्टम में वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी को अप्लाई करे तो ठीक है अब जो इलेक्ट्रॉन सरफेस में आ जाएगा सोचो अब जब इलेक्ट्रॉन सरफेस में आ जाएगा तब क्या हो रहा सिस्टम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्र सर्फेस से क्या होगा लिप कर जाएगा सिस्टम किसके साथ एक पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम स्क्वायर और वो इलेक्ट्रॉन एज पहले निकल रहा है मतलब तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होता है मान लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिप में है मान लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाल्क में है मतलब सरफेस से ज्यादा नीचे है तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी को लूज करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने के लिए सरफेस में लाने के लिए और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के साथ सिस्टम निकल जाएगा विद अ वेलोसिटी विद अ काइनेटिक एनर्जी लेकिन जो सिस्टम ऑलरेडी सरफेस में है उसको तो बहुत कम एनर्जी चाहिए निकलने के लिए है ना तो जो उस energy, वो एनर्जी होगा मिनिमम एनर्जी होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन को भी हम सिस्टम से निकल पाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन कौन होगा जो सरफेस के करीब है या फिर जो सरफेस में है क्लियर ना तो उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मिलेंगे तो वह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उससे हमें मिलेंगे तो इसको आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ कंपेयर कर सकते हो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जब हम एनर्जी देते हैं और सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैशिया स्टेट में ठीक है तो वो अभी कंसिडर मत करना बस इसको समझो तो देखो तो अभी अगर मैथमेटिकली इसको हम डेवलप करें अगर हम सिस्टम में लाइट शाइन कर, कर रहे हैं देखो सिस्टम में अगर हम लाइट शाइन कर रहे हैं ठीक है एच न्यू लाइट का फ्रिक्वेंसी जो हम शाइन कर रहे हैं जो शाइन कर रहे हैं हम उसमें क्या हो रहा है एक फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन बाल्क से सरफेस पे आ रहा है उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है वर्क फंक्शन मतलब क्या वर्क फंक्शन मतलब एच न्यू जीरो है ना तो मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ चलो चलो ध्यान नहीं दो और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकुलर एनर्जी से क्या हो रहा है फर्स्ट वो इलेक्ट्रॉन मीटर बाल्क से सर्फेस में आ रहा है और सर्फेस से वो एक पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लेके सिस्टम से निकल रहा है आप एम वी मैक्स स्क्वायर या फिर आप नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगा ठीक है तो हमने जब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में अप्लाई किया हमने जब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में अप्लाई किया तो फर्स्ट ये सर्फेस में आया फिर सर्फेस से इस एनर्जी को लेकर निकल गया मतलब ये पार्टिकुलर एनर्जी दो तरीके से यूज़ किया गया सिस्टम से दैट्स वाई ये जो इक्वेशन है ना एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम भी स्क्वायर भी मैक्सिमम स्क्वायर ये है हमारा क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन है जो आइंस्टाइन ने डेवलप किए थे आइंस्टाइन ने इन्वेंट किए थे फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स क्लियर हुआ क्लियर हुआ ना तो ये था हमारा स्पेशल क्वांटम स्पेशल थ्योरी तो इसको हम थोड़ा मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करता है चलो इसको मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ फिर आपको कुछ दिखाता हूँ हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर प्लस टू एच अगर ऐसे ले लेंगे हम तो न्यू माइनस न्यू ज़ीरो होगा दैट मीन्स देखो ये क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है एच न्यू माइनस न्यू जीरो अब नोट करना अच्छे से तीन केस में बताऊंगा केस वन में क्या होगा अगर मान लो न्यू इक्वल्स टू न्यू जीरो हो गया क्या होगा मतलब न्यू इक्वल्स टू न्यू जीरो मतलब क्या जो एनर्जी हम बाहर से इनपुट कर रहे हैं जिस एनर्जी का जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट हम बाहर से इनपुट कर रहे हैं अगर जो वार्ड फंक्शन में ठीक है वॉर्ड फंक्शन है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए जो न्यू जीरो चाहिए उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी इक्वल हो इसके साथ मतलब ये जो एनर्जी हम इंसिडेंट करेंगे वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के एनर्जी के साथ वर्क फंक्शन के साथ इक्वल हो गया एनर्जी मतलब एज को छोड़ दो एक सेकंड के लिए तो जो फ्रीक्वेंसी हम बाहर से अप्लाई करेंगे वो फ्रीक्वेंसी अगर वर्क फंक्शन के फ्रीक्वेंसी सेचुअल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर गया या फिर इसके साथ इक्वल हुआ देन पूरा एनर्जी तो सिस्टम को बालक से सिस्टम को बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करके सरफेस में लाने के लिए खत्म हो जाएगा पूरा एनर्जी क्योंकि देखो ये न्यू इक्वल्स टू अगर न्यू जीरो हुआ तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जीरो होगा तो देखो अगर हम ये क्या क्या यहाँ पे अगर हमने क्या क्या अगर हमने इस सिस्टम के लिए क्या क्या केस वन रखा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेंगे देखो यहाँ पे न्यू और न्यू जीरो इक्वल कर दोगे तो ये दोनों कट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे जीरो अगर केस वन हमने कंसिडर किया तो चलो एक और केस ले लेते हैं अगर हमने केस टू कंसिडर करके न्यू का वैल्यू मिनिमम रखा मतलब न्यू जीरो का वैल्यू मिनिमम रखा मतलब न्यू uh, ज़ीरो का वैल्यू ज़्यादा है मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स को बाल्क से सरफेस में लाने के लिए वो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा चाहिए लेकिन हम बाहर से इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है वो कम दे रहे हैं मतलब फ्रेशल फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से एमिट करने के लिए तो क्या होगा एमिशन होगा ही नहीं तो अगर यहाँ पे रखेंगे हम तो क्या होगा देखो न्यू ग्रेटर देन सॉरी न्यू ग्रेटर देन न्यू तो ये जो नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज पॉसिबल थोड़ी है वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है क्या मतलब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं नेगेटिव एनर्जी का नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी मतलब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं हो गया दूसरा अब तीसरा जो कंडीशन है तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि मान लो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ग्रेटर देन न्यू जीरो हुआ तो ठीक है तो उसमें क्या होगा उसमें क्या होगा थर्ड केस में तब देखो ये फ्रिक्वेंसी का वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा होगा इसका वैल्यू कम होगा अब जब ये इस क्वेश्चन में हम इसको मैथमेटिकली पुट करें देन क्या होगा देखो काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिले मिलेंगे ये वैल्यू बड़ा है ये छोटा है मतलब नेगेटिव करके पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिलेंगे काइनेटिक एनर्जी जो मिलेंगे वो होगा पॉजिटिव मतलब अगर हमेशा सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए ये जो न्यू होगा ये जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ज़्यादा होना चाहिए देन थेशल फ्रीक्वेंसी देखो ना मैथमेटिकल जो मेथड है उससे हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना आइंसटाइन थियोरी को थेसुअल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो थेसुअल फ्रीक्वेंसी को हमने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और अब आपको जब पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो जो सेकेंड कंडीशन फास्ट तो छोड़ो सेकेंड कंडीशन थेशल फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया थर्ड कंडीशन क्या है नो टाइम गैप नो टाइम गप क्यों देखो नो टाइम गैप इसलिए ये है कि जब हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे कोई भी सिस्टम में लाइट को शाइन कर रहे हैं एट द सेम टाइम ये लाइट को शाइन करते वक्त एट द सेम टाइम वो लाइट को ऐब्जॉर्ब करके उसको एमिट कर रहा है लाइट को ऐब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम सिस्टम से निकल रहा है एब्जॉर्ब करने के लिए देर इज नो नीड ऑफ टाइम कोई भी टाइम नहीं चाहिए ये क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है इंस्टेंटेनियस फोकस है इंस्टेंटेनियस सिस्टम है तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो लेकिन अगर वेब होगा क्वांटा होगा तो क्या ऐसे हिट करेगा निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर रहा है वो निकल रहा है अगर मैं पिक्टोरी आपको दिखाऊ तो यह होगा यह मान लो एक सिस्टम है ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है यहाँ पे एक एच नी आ रहा है एच न्यू आ रहा है हिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन सिस्टम से निकल रहा है राइट ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स अगर यहाँ इलेक्ट एक पार्टिकल फोटोन का एक पार्टिकल कैंसिडर करते हैं अगर यहाँ पे वे बात था, तो क्या होता है ये एब्जॉर्ब करता है एबजॉर्ब करने के थोड़ी देर बाद वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ाता और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके सिस्टम से विद अ पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम से निकल जाता लेकिन यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन का टाइम ही नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन को भी हट करना है सिस्टम को इलेक्ट्रॉन आका हिट करेगा क्योंकि ये भी एक पार्टिकल है ये भी एक पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन अगर अगर हिट करेगा तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा और सिस्टम से वो निकल जाएगा अगर हम किसी को हिट करें तो उसका काइनेटिक एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाता

ठीक है ये जो हमें वैल्यू मिल चुकी है इसको अगर हम ग्राफिकली अगर हम प्लॉट करें देन हमें क्या मिलेंगे इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें देखो इसको इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो और और एक चीज याद रखना फर्स्ट जो हमने इक्वेशन किया था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें इक्वेशन मिले थे वो क्या मिले थे ये वाला इक्वेशन मिले थे हमें टोटल uh, जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा ई होगा तो आप वो कंसेप्ट यहाँ पे भी लगा सकते हो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होगा तो अब क्या करना है आपको आपको बस क्या करना है कहा गया हाँ ये वाला जो सिस्टम है ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको आप इक्वल कर सकते हो ई वी एस के साथ दैट मीन्स फाइनल इक्वेशन क्या हो सकता है ई वी एस इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू माइनस न्यू जीरो ये इक्वेशन आपको याद रखना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है चलो अब एक प्लॉट ड्रॉ करते प्लॉट इस तरीके का होगा ठीक है प्लॉट इस तरीके का होगा इस पर्टिकुलर पार्टिकुलर प्लॉट में क्या होता है हमेशा देखो हम क्या प्लॉट करेंगे हम प्लॉट करेंगे इस तरफ न्यू इस तरफ काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है तो हमने हमें क्या करना इक्वेशन को वाईकल्स टू एम एक्स प्लस तरीके से लिखना है तो आप एम भीमैक्स स्क्वायर ये हमारा क्या है वाई है वाई कॉस टू एम 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 एक्स कौन सा है एच न्यू ओके एंड फाइनली हमें क्या करना है एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो ठीक है हो गया हमारा अब क्या करता हूँ मैं और इस ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी को हम बोल सकते हैं ना इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ई बी एस इक्ल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो तो अगर हम भी एस को कैलकुलेट करें इक्ल्स टू एच बाई एच बाई न्यू माइनस एच बाई न्यू जीरो इस तरीके से चलो पहले में क्या करता हूँ इस फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन इसके प्लॉट करते हैं सेकेंड इक्वेशन से हम बाद में प्लॉट करते हैं ठीक है दो प्लॉट इंपॉर्टेंट है कि दोनों प्लॉट एग्जाम में आते रहते हैं ठीक है तो अब समझ जाओ किस तरीके से हमने हमको ये एक्सप्लेन करना है देखो y मतलब ये काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन है स्लोप uh, ये वाला लाइन है x मतलब न्यू है तो देखो y कॉज टू क्या है ये एम है ये x है ये c है c क्या है नेगेटिव स्लोप है ठीक इंटरसेप्ट नेगेटिव है दैट मीन्स हमें हमेशा इस तरीके का प्लॉट करना है एम दैट मीन्स एक इस तरीके का मिलेंगे हमें सिस्टम का इस तरीके का वैल्यू ठीक है तो जो ये वैल्यू होगा ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा क्योंकि उसके नीचे वाले फ्रिक्वेंसी से हम सिस्टम का सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगा और जो ये ऊपर का वैल्यू रहेगा इसमें ये जो वैल्यू मिलेंगे ये जो स्लोप मिलेंगे वो होगा एच जो एम होगा स्लोप ठीक है वो एच होगा एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है तो हम अगर एक्सपेरिमेंटली इसको डिटर्माइन करें और प्लॉट करें तो हमें जो स्लोप लेंगे उस प्लॉट से वो प्लॉट अगर एक्सपेरिमेंटली हम देखें उस प्लॉट का वैल्यू निकाले उस स्लोप uh, का वैल्यू निकालें और वो वैल्यू क्या आएगा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट तो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो हमें हमने एक्सपेरिमेंट किया वो प्लैंक्स कॉन्टेंट कॉन्स्टेंट आ रहा है कि नहीं अगर आ रहा है दैट मीन्स वो एक्सपेरिमेंट सेटिसफाइड करेगा जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उसको और वो एग्जैक्टली exactly सैटिस्फाई करता है और इस एक्सपेरिमेंट को क्या गया था सेटिस्फाई करने के लिए मिलिकन के द्वारा मिलिकन साइंटिस्ट मिलिकन के द्वारा इस एक पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को सेटिसफाई किया गया था इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया था डन तो ये हमारा स्लोप हो गया ये हमारा नहीं हो गया और ये जो वैल्यू है ये जो लोएस्ट वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इस ये क्या देखो ये इतना इतना अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वॉक फंक्शन का जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है ठीक है तो ये अब हम हमें चाहिए ही चाहिए उसके बाद क्या होगा धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है जीरो से यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा डन तो उसको इसको समझ लेना इसको याद रख लेना अब जो इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे उसको हम नेगेटिव स्लोप बोलेंगे नेगेटिव स्लोप का वैल्यू क्या है एच न्यू जीरो एच न्यू जीरो ये जो वैल्यू होगा वो हमारा नेगेटिव स्लोप का होगा ठीक है एच न्यू जीरो नेगेटिव स्ट्रोप का होगा तो फर्स्ट इक्वेशन ओके क्वेशन से हमें इस तरीके का प्लॉट मिल रहा है अगर सेकेंड इक्वेशन को कंसिडर करें तो हमें किस तरीके का प्लॉट मिलेगा चलो तो छोटे छोटा करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ठीक है देखो इसमें भी नोट करना अच्छे से हम क्या करेंगे यहां पर भी एस पोटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको वर्सेस फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी कैलकुल हम डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है ये वाला कर सकते हैं तो अगर हम करेंगे तो हमें सेम तरीके का प्लॉट मिलेंगे यहाँ पे भी ठीक है तो ये जो वैल्यू होगा फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा होगा डन और जो हमें स्लोप मिलेंगे नेगेटिव स्लोप उसका वैल्यू क्या होगा एच डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई न्यू जीरो होगा और हमें जो स्लोप मिलेंगे वो क्या होगा एम इक्वल्स टू क्या होगा देखो वाई इकॉल्स टू नोट करना वाई इक्व टू एम एक्स एक्स तो फ्रीक्वेंसी है एम एच डिवाइडेड बाई एच डिवाइडेड बाई तो यहाँ से क्या मिलेंगे हमें स्लोप देखो थोड़ा सा अलग स्लोप मिल रहा है तो जो हम प्लॉट करेंगे उसी के रिगार्डिंग स्लोप हमें अलग अलग मिलेंगे तो वाई प्लस ही लगा देना एम कैलकुलेट करना तो हमें स्लोप मिल जाएंगे तो यहाँ पे एच मिल रहा था यहाँ पे एच बाई मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पो, स्टॉपिंग पोटेंशियल से हमने पूरा सिस्टम को डेवलप किया डन समझ में आ गया बात तो यही है हमारा पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हुआ तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फोटो से फोटोन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है ओके तो ये सारी कॉन्सेप्ट हमें हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया अब तो मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं ताकि आपका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाए ठीक है क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन क्या होगा क्वेश्चन वन को मैं इस तरीके से लिखूंगा कि तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया दिया हुआ है तो थेशल वेबलेन थे थ्रेशअल फ्रिक्वेंसी कैनी यू जीरो होती है फेशअल वेबलेन क्या होगा फिर लैमडा जीरो दैट इज गिवन टू थ्री जीरो जीरो आम देखो मैं आपको बस बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है ठीक है कैलकुलेशन मैं एक झटके में कर दूंगा बताऊंगा नहीं आपको कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन करना है बस प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा ठीक है फिर बोला कि फाइंड द या पे देखो पढ़ो द थ्रेशोल वेवलेंथ ऑफ एड ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑप्टांग स्टेनिस दिस आम फाइंड द वेब लेंथ ऑफ लाइट दैट मीन्स हमें न्यू कैलकुलेट करना है न्यू कैलकुलेट मतलब अगर लैमडा कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप से तो हमें जो लाइट शाइन कर रहे हैं हम इस ये जो लाइट शाइन कर रहे हैं इस फ्रिक्वेंसी uh, को कैलकुलेट करना है फाइंड देंथ ऑफ लाइट विच वुल भी रिक्वायर टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी क्या है टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम झूल में कंसिडर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा टू इन टू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी पर माइनस नाइनटीन जूल तो टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें हमने झूल में कन्वर्ट कर लिए टू से वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी पर माइनस नाइनटीन जूल से मल्टीप्लाई करके तो हमें जूल में वैल्यू मिल चुके हैं तो हमारा ऑलरेडी ये वैल्यू मिल चुका है तो आप मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ अब देखो कौन सा थ्योरी अप्लाई करना है जो इक्वेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किए थे ये वाला इक्वेशन देखो अच्छे से नोट करना एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू इक्ल्स टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, हुआ है प्लस काइनेटिक एनर्जी ये वाला ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है ये वैल्यू हमें पता है वैल्यू दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन दिस वैल्यू इज गिवन लाइक दिस एच का वैल्यू हमें पता है एज का वैल्यू हमें पता है तो दिस इज ऑल्सो गिवन प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या है एच क्व टू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू ट्वेंट्री पर माइनस ट्वेंटी सेवन आर्क सेकेंड आर्क सेकेंड सी जी एस में और एस SI आई में लेंगे तो क्या होगा सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू ट्वेंटी डिग्री पर माइनस थर्टी फोर जो सेकंड दोनों आपको पता है तो जो लगेगा आप यूज कर लेना जिस यूनिट से कर, जूल मतलब तो ये वाला यूज करना क्योंकि हम एस SI आई में सिस्टम को कर रहे हैं और जो न्यू जीरो दिया हुआ है देखो ये न्यू जीरो है वो क्या है न्यू जीरो न्यू कॉस्ट टू क्या है सी बाई लैमडा तो लैमडा जीरो इज गिवेन सी इकस टू क्या थ्री इन टू टेन टू दी पर एट मीटर पर सेकेंड लैमडा जीरो इज गिवन क्या टू थ्री जीरो जीरो ऑमस्ट्रॉन्ग तो ऑमस्ट्रॉन्ग से क्या मीटर में कन्वर्ट करना है कर लेना ठीक है किस तरीके से करना है आपको पता है ना मैं बता देता तो हूँ फिर से फिर भी इसको करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना टेन टू दी पर माइनस टेन मीटर से अगर 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा हो गया ये ये पूरी तरीके से हो चुका है अब न्यू, ये जो हमारा न्यू जीरो वो भी हमें हाँ पता है देखो ये न्यू जीरो वो भी हमें हाँ पता है तो हमें क्या-क्या पता है h पता है h पता, पता है न्यू जीरो पता है कैनेटीक एनर्जी भी पता है बस इस न्यू को कैलकुलेट करना है इस न्यू मतलब क्या ये न्यू जो है वो मतलब क्या सी बाई लैमडा तो सी तो हमें ऑलरेडी पता है लाइट का वेलोसिटी थ्री इंटू ट्वेंटी डी पर एट मीटर पर सेकेंड मीटर सेकंड एंड बस तो बस हमें लैमडा कैलकुलेट करना है जो आप इजीली कर पाओगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए ठीक है तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स जो मैं कर पाऊंगा वो भी एग्जाम में आ सकता है वो होगा ये तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बस ये करना है क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिखना है तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में द वेब फंक्शन ऑफ सोडियम इज दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब वेब फंक्शन मतलब एच न्यू जीरो जो वैल्यू है ओमेग, ओमेगा ओमेगा जीरो डब्ल्यू जीरो ठीक है वो है फाइन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है न्यू जीरो कैलकुलेट करना है हमें मैक्सिमम वेब लेंथ ऑफ लाइट व्हिच विल कॉज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल बी एस फॉर द रेडिएशन ऑफ टू थाउजेंड आम स्ट्रॉन्ग तो इसको छोड़ दो अभी फर्स्ट हम क्या करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं तो थ्रेशोल फ्रिक्वेंसी क्या होती है तो थ्रेशल डब्ल्यू जीरो जो होती है उसका मतलब क्या है एच न्यू जीरो तो न्यू जीरो क्या होती है शोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है तो देखो एच का वैल्यू आपको पता है डब्ल्यू जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर पाओगे इसको मल्टीप्लाई करना है और टू जूल कर लेना तो हमें डब्ल्यू जीरो दिया हुआ है वो जूल में कन्वर्ट करने के बाद एच का वैल्यू जूल में पुट कर देना क्या होगा एच का वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू ट्वेंटी माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड उसके बाद देखो न्यूज आपको मिल जाएंगे जो थ्रेशल फ्रिक्वेंसी है तो हमने ये कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया कहा गया थ्रेशअल फ्रिक्वेंसी जो था वो हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है अब आते हैं मैक्सिमम वेब लेंथ ऑफ लाइट पे मैक्सिमम वेब लेंथ ऑफ लाइट दैट वी आर शाइनिंग ठीक है वो क्या होगा दैट विल दैट विल कॉज द एमिशन दैट विल कॉज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें ऑलरेडी uh, सिस्टम को पता है हमें ऑलरेडी सिस्टम को पता है मैक्सिमम वेब मतलब कितने अमाउंट ऑफ वेब चाहिए सिस्टम को सिस्टम को सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन्स uh, हो उसको वहाँ पे लाने के लिए सरफेस पे लाने के लिए ठीक है वहाँ पे आएगा फिर तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कि बस सरफेस में लेके आएंगे तो ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा सिस्टम में मतलब जो हमें न्यू जीरो है हमारा जो न्यू ज़ीरो है ठीक uh, uh, है जो ट्रेशल फ्रीकुन्सी है न्यू ज़ीरो का मतलब क्या था सीवाई लैमडा जीरो ठीक है तो बोल रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ तो हमें लेमडा जीरो कैलकुलेट करना है एक इलेक्ट्रॉन को बाल्क से सरफेस में लाने के लिए ठीक है फॉर द कॉज ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए नहीं है आप सोच सकते हो काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं अब भाई यहां पे काइनेटिक एनर्जी को मांग नहीं रहे बस कितना अमाउंट ऑफ वेबलेन चाहिए उसको एमिशन करने के लिए एमिशन करने के लिए सर्विस पर लाना पड़ेगा बस उतना ही अगर काइनेटिक एनर्जी मांगता तो यहां पे पॉसिबल नहीं आप इस इंफॉर्मेशन से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते ठीक है तो ये हमारा लैम्डा जीरो कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है सी का वैल्यू पता है लैम्डा जीरो कैलकुलेट करोगे तो आ जाएंगे थर्ड ऑप्शन फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल की क्वेश्चन क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वेशन क्या था जो काइनेटिक एनर्जी था दैट इज दैट वाज स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवीएस था इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो ई इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल था डन हमें इसको ये काइनेटिक एनर्जी हमें ऑलरेडी पता है ठीक है काइनेटिक एनर्जी नहीं सॉरी काइनेटिक एनर्जी हमें पता नहीं है तो हमें क्या करना है एच पता करना है न्यू पता करना है और न्यू जीरो पता करना है तो हमें क्या कि, देखो हमने यहाँ पे रेडिएशन का वेबलेंस दे दिया तो वेबलेंस लैम्डा अगर पता है मुझे तो लैमडा इक्व क्या होता है लेमडा सी बाई लैमडा क्या होता है सी बाई लैमडा होता है न्यू तो सी का वैल्यू पता है लेमडा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है टू थाउजेंड आम स्ट्रॉ तो आमस्ट्रॉन्ग से क्या करना है मीटर में जाना टेन टू दी माइनस टेन से मल्टीप्लाई करके तो हमें लैमडा का जो वैलू होंगे वो भी मिल चुके होंगे और सी का वैल्यू ऑलरेडी पता है थ्री इंटू टेन टू दी एट मीटर पर सेकेंड उसके बाद हमें सिस्टम का जो फ्रीकवेंसी है वो हमें मिल जाएंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगा सिस्टम का वो होगा ये वाला वैलू न्यू जीरो ऑलरेडी पता है हमें ये देखो ये गिवन है ये थ्रेश फ्रीक्वेंसी जो है ये गिवन था पहले ये पता है हमें ये पता है ये भी आ गया गिवेन है एज का वैल्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है सोचो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एक तो अभी क्या करना है हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कैलकुलेट करने के लिए देखो ये पूरा टर्म को हमें कैलकुलेट करना है इसको इस टर्म को ही बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमें एच पता है न्यू पता है न्यू जीरो पता है बस पुट कर दो वैलू आ जाएंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिल सकते हैं और मिलेंगे भी और ये प्लॉट जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो दोनों प्लॉट मैंने ड्रॉ किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रख लेना किस तरीके से ये काम करता है बस और कुछ नहीं तो ये था पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्वांटम केमिस्ट्री का बेसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे काफ़ी बार आते रहते हैं यहाँ से ठीक है तो आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई बेसिक टू तो एडवांस्ड तक और अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स लेके आ जाएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट लेके आ जाएंगे सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में